डियर व्यूअर्स, सर मोहम्मद अली मलक यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस यानी जमाना मुस्तकबिल जारी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के उर्दू में पहचान। जिस जुमले के आखिर में रहा होगा रही होगी रहे होंगे वगैरह आ जाए तो ऐसे जुमले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। जैसे मैं आम खा रहा हूंगा, तुम कार चला रहे होगे, हम फुटबॉल खेल रहे होंगे, वो खत लिख रही होगी वगैरह वगैरह। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी जमाना मुस्तकबिल जारी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की उर्दू में पहचान। जिस जुमले के आखिर में रहा होगा रही होगी रहे होंगे वगैरह आ जाए तो ऐसे जुमले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। जैसे मैं आम खा रहा हूंगा, तुम कार चला रहे होगे, हम फुटबॉल खेल रहे होंगे, वो खत लिख रही होगी। जब हमें पहचान हो जाती है उर्दू के फिक्रात में, तो फिर इसके बाद अंग्रेजी बनाने का तरीका आना चाहिए, जो हम अब सीखते हैं। फ्यूचर
कंटिन्यूअस टेंस को अंग्रेजी में बनाने का तरीका। नंबर एक, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। नंबर दो, हेल्पिंग वर्ब शैल बी या विल बी में से एक लिखेंगे। नंबर तीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के आखिर में, यानी वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में आई एन जी का इजाफा करेंगे। नंबर चार, ऑब्जेक्ट यानी मफूल लिखेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी जमाना मुस्तकबिल जारी को अंग्रेजी में बनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी फाइल लिखेंगे। नंबर दो, हेल्पिंग वर्ब शैल बी या विल बी में से एक लिखेंगे। नंबर तीन, वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में आई एन जी का इजाफा कर देंगे। और नंबर चार, आखिर में ऑब्जेक्ट यानी मफूल लिखेंगे। तो ये तो इसका तरीका है। अब सबसे पहले हम आपको मुस्बत जुमले बनाना सिखा रहे हैं। जैसे पहला जुमला है, मैं आम खा रहा हूंगा। मैं आम खा रहा हूंगा। दूसरा होगा मैं नेगेटिव, मैं आम नहीं खा रहा हूंगा। क्या मैं आम नहीं खा रहा हूंगा? क्या मैं आम नहीं खा रहा हूंगा? यानी ये इसके अंदर नेगेटिव भी है, इसके अंदर इंट्रागेटिव भी है। और मैं आम खा रहा हूंगा ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये मुस्बत जुमला है। मैं आम नहीं खा रहा हूंगा ये एक नेगेटिव जुमला है, मनफी जुमला है। और इसके बाद जुमला है, क्या मैं आम खा रहा हूंगा? ये इंटरोगेटिव का जुमला है। अब देखें, बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी मैं, जिसको हम आई कहते हैं, सब्जेक्ट आई, मैं। उसके बाद नंबर दो, हेल्पिंग वर्ब शैल बी या विल बी में से एक लिखेंगे। तो आई के साथ शैल बी लगेगा, आई शैल बी। शैल बी के फौरन बाद जो है वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में आई एन जी का इजाफा करेंगे, यानी खाना, ईट।
ईट खाना और इसके आखिर में आई एन जी का इजाफा करेंगे तो ये बन जाएगा ईटिंग, यानी आई शैल बी ईटिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स यानी मफूल मैंगो, ये बन गया मैं आम खा रहा हूंगा, यानी आई शैल बी ईटिंग मैंगो, मैं आम खा रहा हूंगा। उसके बाद जुमला है मैं आम नहीं खा रहा हूंगा। अब ये नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी आई, आई के बाद आई के साथ शल लगेगा, आई शल, और उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, नॉट, और नॉट के बाद जो है बी का इस्तेमाल करेंगे, बी के फौरन बाद जो है वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में आई एन जी का इजाफा करेंगे, यानी ईट वर्ब की पहली फॉर्म है और इसके आखिर में आई एन जी का इजाफा कर देंगे तो ये बन जाएगा ईटिंग, यानी आई शैल नॉट बी ईटिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल आएगा मैंगो, ये बन गया मैं आम नहीं खा रहा हूंगा, यानी आई शैल नॉट बी ईटिंग मैंगो, मैं आम नहीं खा रहा हूंगा। इसके बाद जुमला है क्या मैं आम नहीं खा रहा हूंगा। अब सबसे पहले आई के साथ क्योंकि शल लगता है तो इसके अंदर सबसे पहले शल लगेगा, शल, उसके फौरन बाद जो है सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नेगेटिव क्योंकि नहीं है तो इसके बाद फौरन जो है वो नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और नॉट के फौरन बाद जो है बी का इस्तेमाल करेंगे, बी, और बी के फौरन बाद वर्ब की पहले फॉर्म के आखिर में आईएनजी का इजाफा, यानी ईट जो है ये वर्ब की पहली फॉर्म है और इसके आखिर में आईएनजी का इजाफा कर देंगे तो ये ईटिंग हो जाएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल आएगा जो कि है आम मैंगो। तो ये जुमला बन गया क्या मैं आम नहीं खा रहा हूंगा, तो ये बन जाएगा शल आई नॉट बी ईटिंग मैंगो, क्या मैं आम नहीं खा रहा हूंगा, आखिर में क्वेश्चन मार्क होगा। अब इसके बाद फिर इंटरोगेटिव एक जुमला है क्या मैं आम खा रहा हूंगा। अब सबसे पहले क्योंकि इंटरोगेटिव है इसलिए आई के साथ शल लगेगा, शल, और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फौरन बाद जो है बी का इजाफा करेंगे, बी लगाएंगे, बी के फौरन बाद जो है वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में आईएनजी का इजाफा करेंगे तो खाना ईट, ईट के आखिर में आईएनजी का इजाफा कर देंगे तो ये बन जाएगा शल आई बी ईटिंग, और उसके आखिर में मफूल आएगा मैंगो, तो ये जुमला बन गया क्या मैं आम खा रहा हूंगा, आखिर में क्वेश्चन मार्क, और अंग्रेजी में बनेगा शैल आई बी ईटिंग मैंगो, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। अब इसी तरीके से दूसरा जुमला है तुम कार चला रहे होगे, तुम कार चला रहे होगे, तुम नेगेटिव होगा, तुम कार नहीं चला रहे होगे। उसके बाद तीसरा जुमला होगा इंटरोगेटिव का क्या तुम कार चला रहे होगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और उसके बाद इंटरोगेटिव और नेगेटिव,
क्या तुम कार नहीं चला रहे होगे? अब सबसे पहले जो है हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी तुम कार चला रहे होगे। सब्जेक्ट इसमें है तुम, जिसे हम अंग्रेजी में कहें यू, यू। और यू के साथ जो है विल भी इस्तेमाल करेंगे, यू विल बी चलाना वर्ब की पहली फॉर्म में और उसके आखिर में आईएनजी का इजाफा। ड्राइविंग, यू विल बी ड्राइविंग और आखिर में मफूल कार, ऑब्जेक्ट मफूल आएगा तो ये जुमला बन जाएगा तुम कार चला रहे होगे, यानी यू विल बी ड्राइविंग कार। दूसरा जुमला है नेगेटिव का, तुम कार नहीं चला रहे होगे। अभी नेगेटिव है, इसका बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि यू है, यू। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शल बी या विल बी में से एक आएगा, लेकिन क्योंकि यू के साथ विल आएगा इसलिए हम यहां लिखेंगे विल, और विल के फौरन बाद जो है हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और नॉट के फौरन बाद जो है बी का इस्तेमाल करेंगे, और बी के बाद जो है वर्ब की पहली फॉर्म ड्राइव, और आखिर में आईएनजी का इजाफा करेंगे, यानी वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में आईएनजी का इजाफा होगा और उसके बाद आखिर में मफूल आएगा जो कि है कार। ये जुमला बन जाएगा तुम कार नहीं चला रहे होगे, ये बनेगा यू विल नॉट बी ड्राइविंग कार। अब जुमला है क्या तुम कार चला रहे होगे, ये इंटरोगेटिव का है, और इंटरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम शल या विल का इस्तेमाल करेंगे। तो देखें तुम के साथ जो है विल आएगा तो सबसे पहले यू के साथ विल आता है तो पहले हम विल लिखेंगे, विल के फौरन बाद जो है हम सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि है तुम, यू, और यू के फौरन बाद हम बी का इस्तेमाल करेंगे, बी, और बी के फौरन बाद वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में आईएनजी का इजाफा ड्राइव, और उसके आखिर में आईएनजी का इजाफा करेंगे, और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के इजाफे के बाद आखिर में जो है हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी वो है ऑब्जेक्ट कार। तो इसका ये जुमला इस तरह बन जाएगा क्या तुम कार चला रहे होगे, तो इसका बनेगा विल यू बी ड्राइविंग कार, क्या तुम कार चला रहे होगे। अब एक जुमला है क्या तुम कार नहीं चला रहे होगे, यानी इसके अंदर सवालिया भी है और नफी भी है, इनकार भी है कि क्या तुम कार नहीं चला रहे होगे। तो देखें अब क्योंकि यू है, यू के साथ हमेशा विल का इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो है विल आएगा, विल के फौरन बाद जो है सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, विल यू, और यू के फौरन बाद जो है हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, नॉट, नॉट के फौरन बाद जो है बी का इस्तेमाल करेंगे, बी, और वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में आईएनजी का इजाफा करेंगे, सॉरी डी है ये ड्राइविंग, तो ड्राइविंग ड्राइव के बाद जो है आईएनजी का इजाफा करेंगे और उसके बाद जो है आखिर में ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो कि है कार। तो ये बन जाएगा क्या तुम कार नहीं चला रहे होगे, यानी विल यू नॉट बी ड्राइविंग कार, क्या तुम कार नहीं चला रहे होगे। अब इसी तरीके से एक जुमला और है,
कि हम फुटबॉल खेल रहे होंगे, हम फुटबॉल खेल रहे होंगे। दूसरा जुमला बनेगा नेगेटिव में, हम फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। तीसरा जुमला बनेगा इंटरोगेटिव में, क्या हम फुटबॉल खेल रहे होंगे। अब आखिर में क्वेश्चन मार्क होगा और उसके बाद चौथा जो उसकी कंडीशन होगी वो इंटरोगेटिव और नेगेटिव होगी, क्या हम फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। डियर व्यूअर्स, अब ये तीसरा जुमला है कि हम फुटबॉल खेल रहे होंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले जो है हम इसके अंदर ये पॉजिटिव का है ये बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यानी हम, जिसे हम अंग्रेजी में वी कहते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल बी या विल बी में से एक आएगा और वी के साथ शैल आता है तो यहां बनेगा वी शैल और बी, यानी शैल बी आएगा वी के साथ, वी शैल बी और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में आईएनजी का इजाफा करेंगे यानी खेलना प्ले और आखिर में आईएनजी का इजाफा, तो ये बन जाएगा वी शैल बी प्लेइंग और प्लेइंग के बाद वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में जो है आईएनजी का इजाफा करके आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा यानी मफूल आएगा जो कि है फुटबॉल। तो ये जुमला चित्रा बन जाएगा यानी हम फुटबॉल खेल रहे होंगे, ये मुस्बत है पॉजिटिव है तो ये बन जाएगा वी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे होंगे। अब दूसरा जुमला है नेगेटिव का कि हम फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। अब सबसे पहले जो है सब्जेक्ट आएगा जो कि है वी, वी के साथ शैल लगेगा और शल के फौरन बाद जो है हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे और नॉट के फौरन बाद जो है बी का इस्तेमाल करेंगे और बी के फौरन बाद जो है वर्ब की पहली फॉर्म यानी प्ले और आखिर में आईएनजी का इजाफा करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल लिखेंगे फुटबॉल। तो ये जुमला इस तरह बन जाएगा नेगेटिव में, हम फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, वी शैल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। अब ये जुमला है क्या हम फुटबॉल खेल रहे होंगे, इंटरोगेटिव का है तो इसके अंदर सबसे पहले जो है हेल्पिंग वर्ब जो है शैल या विल में से एक लिखेंगे क्योंकि यहां हुई है तो इसलिए यहां पे शैल आएगा, शैल इसको बाहर निकालेंगे फिर सब्जेक्ट आएगा वी, फिर उसके बाद जो है बी का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ई का इजाफा करेंगे आखिर में, वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में आईएनजी का इजाफा किया और उसके बाद मफूल यानी ऑब्जेक्ट आएगा जो कि है फुटबॉल। तो ये जुमला चित्रा बन जाएगा क्या हम फुटबॉल खेल रहे होंगे, शैल वी बी प्लेइंग फुटबॉल। अब चौथा
क्वेश्चन है वो इंटरोगेटिव और नेगेटिव की है, क्या हम फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। देखें सबसे पहले हम जो है सबसे पहले आएगा शल और उसके फौरन बाद जो है सब्जेक्ट यानी हम, वही वही के फौरन बाद जो है नॉट का इस्तेमाल करेंगे, नॉट नॉट के फौरन बाद बी इस्तेमाल करेंगे, बी के फौरन बाद जो है वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में आईएनजी का इजाफा करेंगे और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी मफू लिखेंगे। और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो ये बन जाएगा क्या हम फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। शल वी नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। अब एक जुमला और है, वो खत लिख रही होगी, वो खत लिख रही होगी, ये मुसबत जुमला है। अब वो खत नहीं लिख रही होगी, ये इंकारिया में है, मनफी है, क्या वो खत लिख रही होगी, ये सवालिया है और आखिर में क्या वो खत नहीं लिख रही होगी। इसके अंदर नफी भी है और सवाल भी है, यानी पहला है पॉजिटिव का कि वो खत लिख रही होगी। अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, माने शी, और शी के साथ जो है वो विल बी आएगा, शी विल बी, फिर वर्ब की पहली फॉर्म लिखना राइट और आखिर में आईएनजी का इजाफा, शी विल बी राइटिंग और इसके बाद आखिर में ऑब्जेक्ट यानी मफूल आएगा खत लेटर। तो ये इस तरह बन जाएगा शी विल बी राइटिंग लेटर, वो खत लिख रही होगी। अब जुमला है नेगेटिव में, वो खत नहीं लिख रही होगी। अब सबसे पहले जो है सब्जेक्ट आएगा शी, फिर उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, और विल के फौरन बाद जो है हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, नॉट नॉट के फौरन बाद जो है हम बी का इस्तेमाल करेंगे और बी के फौरन बाद जो है वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में आईएनजी का इजाफा करेंगे यानी राइटिंग। राइटिंग के बाद आखिर में मफूल यानी ऑब्जेक्ट आएगा जो कि है खत लेटर, वो बन जाएगा शी विल नॉट बी राइटिंग लेटर। अब जुमला है क्या वो खत लिख रही होगी। अब क्योंकि इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा विल या शल, क्योंकि ये शी के साथ जो है विल का इस्तेमाल करेंगे विल, विल के बाद सब्जेक्ट आएगा शी और शी के फौरन बाद जो है वो बी का इस्तेमाल करेंगे, बी के फौरन बाद वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में आईएनजी का इजाफा राइटिंग, राइटिंग और राइटिंग के फॉर्म बाद जो है मफूल यानी ऑब्जेक्ट आएगा, ये बन जाएगा
क्या वो खत लिख रही होगी? Will she be writing letter? क्या वो खत लिख रही होगी? अब जुमला है इंटरोगेटिव और नेगेटिव, यानी सवालिया भी है और मनफी जुमला भी एक ही जुमले में है, क्या वो खत नहीं लिख रही होगी। अब इसके लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल आएगा, विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा शी, शी के फौरन बाद जो है नॉट का इस्तेमाल करेंगे नॉट, और नॉट के फौरन बाद जो है हम बी का इस्तेमाल करेंगे, और बी के फौरन बाद जो है हम वर्ब की पहले फारन के आखिर में आईएनजी का इजाफा करेंगे और आखिर में मफूल यानी ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये जुमला बन जाएगा विल शी नॉट बी राइटिंग लेटर, क्या वो खत नहीं लिख रही होगी। अजीज व्यूअर्स, मैं एक मरतबा थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस जमाना मुस्तकबिल जारी। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की उर्दू में पहचान ये है कि जिस जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आ जाए, तो ऐसे जुमले फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। जैसे मैं आम खा रहा हूँगा, तुम कार चला रहे होगे, हम फुटबॉल खेल रहे होंगे, वो खत लिख रही होगी। अब बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, नंबर दो पर हेल्पिंग वर्ब शल बी या विल बी में से एक लिखेंगे, और शल जो है वो आई और वी के साथ हमेशा शल लिखेंगे, यानी आई और वी के साथ शल आएगा, यानी शल भी आएगा, और ही शी इट यू दे वगैरह के साथ जो है विल आएगा, और उसके बाद जो है वर्ब की पहले फॉर्म के आखिर में आईएनजी का इजाफा कर देंगे और आखिर में मफूल यानी ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अजीज दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।